हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है ना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अगले 5-7 मिनट मुझे ढंग से सुन लिया, जितनी भी देर में बोलने वाला हो, तो आपके परसेंटाइल में डेफिनेटली इंक्रीज करवा दूंगा। कुछ छोटी छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना है। और देखो, मैं इतने 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही होती हैं जो हमें एग्जाम में बाकी लोगों से आगे करती हैं। ठीक है, पढ़ाई तो देखो जिसने जितनी करनी थी सबने कर ली है, तो अब कुछ बातों का ध्यान रखना। तो बिना समय खराब करते हुए जल्दी से अपन शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से फॉलो करना। देखो, सीमेट में मेरे यूट्यूब चैनल के ही थ्रू आउट ऑफ टॉप 10 4 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो आप भी उनमें से एक हो जाना इस बार। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने की मोटिवेशन, और वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, और ये सब कैसे होगा, जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो पहली चीज ये है, पिछले आपके जो भी रिजल्ट आए हों, जैसे भी रहे हों, कैट सेट आईआईटी जो भी रहा हो, भूल जाओ सबको। एक दिन के लिए तो भूल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा कंसंट्रेट किस पे करो, अब सीमेंट पे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, कुछ नया मत पढ़ो, है ना। जो भी कुछ नया पढ़ना है बिल्कुल इग्नोर करो, जितना पढ़ चुके हो उसका एक हल्का सा रिवीजन कर लो, क्योंकि देखो अभी 24 आवर्स भी नहीं बचे। एक लाइट रिवीजन कर लो। लाइट रिवीजन मतलब फॉर्मूले रिवाइज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, है ना। मेरे चैनल पे भी जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस देख लेना, है ना। यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब मेन एक चीज़ क्या है, जब आप कल एग्जाम देने जाओ, कल बिल्कुल भी पढ़ाई मत करना। और खास तौर से जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर हो, फर्स्ट शिफ्ट वालों से बिल्कुल मत पूछना पेपर में क्या आया क्या आया। जबरन वो इजी बोलेंगे तो भी, अगर आप अपना पेपर देखो कंपेयर करोगे, आपको ये ना लगे टफ आ गया हमारा, या वो टफ बोलेंगे तो भी आप डिमोटिवेट ना हो जाओ। तो डिस्कस ज़्यादा करना मत, अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, एक लाइट रिवीजन कर लो। प्लस एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, कल जैसे ही पेपर देने जाओ, है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका फेवरेट टॉपिक से चालू करना। टॉपिक या सब्जेक्ट बोल लो, आपका जो भी सब्जेक्ट फेवरेट हो। जैसे मेरा मैथ्स से, तो मैं मैथ्स से स्टार्ट करूंगा। तो सीमेंट में टाइम की कोई कमी नहीं होती, 3 आवर्स मोर देन इनफ है 100 क्वेश्चंस के लिए। और उन 100 में भी देखो जीके के 20 आ जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के 20 आ जाएंगे, इंग्लिश के 20 आ जाएंगे, और रीजनिंग भी इनकी बहुत टफ नहीं होती। फिर रीजनिंग को छोड़ भी दो तो जीके, एंटरप्रेन्योरशिप और वर्बल 60 क्वेश्चंस तो आपके विद इन 1 आवर या मैक्सिम टू मैक्स 90 मिनट्स में हो जाएंगे। बचे पूरे टाइम में आप मैथ्स एलआर कर सकते हो। तो ये वैसे एग्जाम नहीं है कि इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाओ स्पीड पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, जैसे मेरा मैथ्स से, तो मैं शुरुआत करूंगा मैथ्स से। किसी को रीजनिंग अच्छी लगती हो, रीजनिंग से शुरुआत कर दो। किसी को लगता है उसकी वर्बल बहुत अच्छी, वो वर्बल से कर दो। किसी को लगता है उसकी जीके अच्छी, वो जीके से। और किसी को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी, वो एंटरप्रेन्योरशिप से। पहले ये काम कर लिया। दूसरा क्या करना है ना, या इसको फर्स्ट नंबर पे भी ला सकते हो, एक मेरा फॉर्मूला लाइफ टाइम याद रखना, हमेशा काम आएगा, ईजी फर्स्ट। ईजी फर्स्ट का मतलब है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जितने भी हैं, मतलब कई बार कई बच्चे बोलते हैं हमसे तो क्वेश्चन देखा ही नहीं, हमने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं। यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो। ईजी फर्स्ट का मतलब है जो पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्वांट के हों, जी के, इंग्लिश, कोई से भी, है ना, आप शुरू के आधे 1 घंटे में उनको ख़त्म कर डालो। जैसे पेपर स्कैन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना, कोई भी क्वेश्चन 2+2 टाइप का दिख गया, सीधे लगा दिया। या जी के में जब कर रहे हो, है ना, मान लो उसने पूछ लिया कि एमपी का कैपिटल क्या है, जिसे भोपाल दिख रहा है उस पर लगा दिया। ऐसे क्वेश्चन 30 मिनट में भी आप करोगे ना, तो सारे इजी के इजी आप निपटा दोगे। अब वो इजी भले ही 30 हो, 40 हो, इवन 50 हो या 60 हो, सब खत्म कर डालोगे, ओरल ओरल खट 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 खट। ठीक है, फिर आओ अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। या जब शुरू के 30 मिनट में आप पेपर स्कैन कर रहे होगे, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि यार इस बार ये सेक्शन टफ है, ये इजी है, तो इस सेक्शन को पहले कर लिया जाए। या कुछ क्वेश्चन आपको देख के लग रहे होंगे कि यार ये थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये हो जाएगा, ये इजी कंसेप्ट पे लग रहा है, फिर उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो मेरा मानना है कि 2 आवर्स में आप लोग आराम से पूरा पेपर कर लोगे, इजी क्वेश्चंस प्लस मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जितने भी होंगे सब कुछ हो जाएगा। आखिरी का जो 1 घंटा बचेगा, फिर जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन, उनको सुकून से, इत्मीनान से आखिरी के 1 घंटे में सॉल्व करना, जितने भी बच जाए। मेरे ख्याल से शुरू के 2 घंटे में ही आप 70 to 80 questions तो हो सकता है करी लो, या जितने भी बच जाए आखिरी के 1 घंटे में वो टफ टफ वाले क्वेश्चंस करना, है ना, और आराम आराम से करना, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो या छोटी छोटी गलतियां ना हो। तो देखो, आपके जो रैंक आनी होगी वो इजी और मीडियम से ऑलरेडी आ जाएगी,
फिर जो आप एडवांटेज लोगे अच्छे और ज़्यादा अच्छे अच्छे परसेंटाइल का, वो आखिरी के 1 घंटे में आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करोगे, हो जाएगा। तो पेपर देखते से शुरुआत में ही टफ क्वेश्चन पे अगर आपने ध्यान लगा लिया तो देखो डिमोटिवेट हो जाओगे और अगले 3 घंटे और ख़राब कर दोगे। इसलिए शुरुआत के 2 घंटे आपको क्या करना है, ईजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को ही टारगेट करना है। आखिरी के 1 घंटे में हार्ड लेवल के क्वेश्चन कर लेना। जैसे क्वांट के मान लो 20 क्वेश्चन आए, आपको 10 टफ लगे, 10 भी नहीं आते सीमेंट में तो, लेकिन फिर भी मान लो 10 टफ लगे, छोड़ दो। एलआर के मान लो 10 टफ लगे, छोड़ दो, ठीक है 20 क्वेश्चन हो गए। अब एंटरप्रेन्योरशिप वर्बल और जीके में, इसमें तो ऐसा होता है आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तो इसमें जो होता होगा वो आपसे हो ही जाएगा। अब आखिरी के 1 घंटे में आपके लिए करने के लिए कितने क्वेश्चन बचे, क्वांट के वो जो टफ बच गए थे 10 और एलआर के जो टफ बच गए थे 10, तो 20 क्वेश्चन आखिरी के 1 घंटे के लिए आपने छोड़ दिए थे, वो आप आखिरी के 1 घंटे में कर लेना और आराम से वो 20 में से आप 15 बना लोगे, है ना, हो सकता है पूरे ही बना लो। तो मेरे तरीके से अगर चलोगे तो आप हो सकता है पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट कर दो। हाँ 100 का मतलब है वो एंटरप्रेन्योरशिप जीके और वर्बल में जो बनेगा वही बनेगा, बाकी हाँ जीके में तो जो नहीं आता उसमें तो कल मत लगाना, जो आता है वो कर देना। तो इस तरीके से आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। और हाँ आज आप अच्छा एक रिविजन कर लो, प्लस पिछले 3-4 महीने का करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि यही डायरेक्ट फंसने के चांस है। मैथ्स एलआर में तो फंसने के से चांस नहीं कि आप 24 घंटे में कुछ पढ़ो वो आ जाए, इससे अच्छा जो फंसने के चांस होते हैं वो सिर्फ करंट अफेयर्स के ही होते हैं। तो उसको आप रिवाइज कर लो आज जितना हो सके, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।